आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंक्सफुल टू मोदी साहब, ही इज कमिंग। और हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ के, बहुत अच्छा लगा। और कश्मीर में अब बदलाव भी हो रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर बहुत ही अच्छा है घूमने फिरने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से कश्मीर को साफ सफाई डेवलप किया है। 370 हटाने के बाद बहुत यहाँ की हालत बहुत सही हुई है। जो कश्मीर है वो विकास की राह पर चल पड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम पूना से आए। पूना से ये फर्स्ट टाइम आए हैं? यस, फर्स्ट टाइम हमारा। जी जी, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के कि सचमुच कश्मीर जो है बदल चुका है? हाँ जी, ऐसा तो लग रहा है बदल रहा है। पहले सुनते थे कि हालत खराब थे ऐसे, लेकिन अभी माहौल हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। अभी तीन दिन से हम यहाँ पर है, लेकिन ऐसा कोई तकलीफ का कोई परेशानी नहीं है। जी सर, आप क्या कहेंगे? बहुत मजा आ रहा है कश्मीर में, पहली बार हम घूमने के लिए आए हैं। हमने पहले बहुत सुना था यहाँ पे बहुत मतलब प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत टेररिज्म वगैरह चलता है, लेकिन हमें इन 3 दिनों में अभी तक कुछ भी ऐसे लगा नहीं। यहाँ पर हालात पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं? बहुत बेहतर है। मैं तो सब लोगों को कहूंगा कि आप जरूर कश्मीर घूमने के लिए आइए। 370 हटाने के बाद बहुत यहाँ की हालत बहुत सही हुई है। 370 हटने के बाद यहाँ के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सचमुच यहाँ के जो हालात है वो बदल चुके हैं, क्योंकि आप लाल चौक पर खड़े हुए हैं, ऐसे मकाम पर खड़े हुए हैं जहाँ पर पहले लोग आने से कतराते थे। यहाँ पे हालात बहुत सुधर चुके हैं। एक्चुअली हम सब लोग खुद संगल धान से आए हैं, सो आई मस्ट से कि हर एक ने विजिट करना चाहिए। लाइक अच्छा हुआ है, सब हालात अभी बेटर है, इट्स नॉर्मल। यस यस, हम तो घूमने आए थे, बहुत मजा आ रहा है कश्मीर में। पहली बार ही आए लेकिन कुछ ऐसा लगा नहीं कि हालत खराब है वगैरह, हमने बहुत एंजॉय किया। अभी तो हमारा 4-5 दिन यहीं पे रुके हैं, तो बहुत अच्छा। आज हमें खुशी है, हम जवान हो गए हैं। हम 75 साल के बुढ़े हैं, लेकिन आज हम जवान हैं। आई एम हैप्पी नाउ टू टॉक विद मोदी साहब, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंक्सफुल टू मोदी साहब, ही इज कमिंग। कश्मीर है वो सचमुच विकास की राह पर बढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता है? यस यस, हम खुद ट्रेन से आए संगलदन, फर्स्ट टाइम, न्यू ट्रेन थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत सुंदर जगह है। हाँ, कश्मीर आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हम सभी ने बहुत एंजॉय किया, और हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। वेलकम मोदी जी। जी जी, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और कश्मीर में अब बदलाव भी हो रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर बहुत ही अच्छा है घूमने फिरने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से कश्मीर को साफ सफाई डेवलप किया है। थैंक यू। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो लोग भी काफी उत्साहित हैं इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ना सिर्फ यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर जो है आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो है जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं लाल चौक पर, और आकर के यहाँ के नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो है वो बदल चुका है। और लोग देखिए, लोगों में काफी उत्साह है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी ही मोदी की कामयाबी है। थैंक यू मोदी जी फॉर एब्रोगेटिंग द सेक्शन 370 इन द कश्मीर वाली। थैंक यू। बिल्कुल। तो देखा आपने कि 370 के बाद जिस तरीके से यहाँ के हालात बदले हैं, लोग भी काफी खुश हैं, और लोग चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पर जिस तरीके से चल पड़ा है, अब यहाँ की जो तस्वीर है वो पहले से बिल्कुल बदल चुकी है। कैमरामैन शोएब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए।